हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे फॉर यू। टुडे इज़ द टर्न ऑफ SST। एज आवर प्रीवियस वीडियो, वी ऑलरेडी फिनिश्ड आवर चैप्टर 1। हिस्ट्री टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो चैप्टर था व्हाट वर हाउ एंड व्हेन, इसे हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स क्यूरीज जो थी उनको भी हमने शुरू कर दिया था। प्रैक्टिस टाइम, इसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन ए टिक द करेक्ट आंसर, इसके क्वेश्चन नंबर 1-5 हमने कंप्लीट किए थे। फिल इन द ब्लैंक के अंदर भी हमने 1-5 को फिल किया था और हमने स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स को भी हमने फिनिश किया था। आज हम इसके आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्यूरीज या नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग था या मैच द कॉलम्स था, इनको हमने मैच किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमें आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1-2 लाइन्स, कि हमें इन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं और वो भी कब, लिमिटेशन के जो पीरियड है उसके अंदर, कि हमें लिमिटेशन जो वर्ड्स हैं उसी लिमिट वर्ड के अंदर हमें इनके क्वेश्चन के आंसर्स कंप्लीट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है, व्हाट इज हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज आर्कियोलॉजी। नंबर 3, नेम द वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। एंड नंबर 4, नेम एनी 2 एंशियंट इंडियन मॉन्यूमेंट्स। एंड द लास्ट नंबर 5, नेम द लैंग्वेजेज इन विच एंशियंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन। तो इस तरह से हमारे पास में आज जो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हमारे पास में हैं आज के इस वीडियो में। इन क्वेश्चन को हम कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं, राइट करने वाले हैं, आंसर करने वाले हैं। सो लेट्स कम विद मी एंड आंसर दीज क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उनके आंसर्स हमने यहाँ लिखे हैं। अब इन आंसर्स को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन था, व्हाट इज हिस्ट्री, कि हिस्ट्री क्या है, तो उसका आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, हिस्ट्री इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट, कि पास्ट की स्टडी है, हमारे भूतकाल की जो प्रीवियस जो टाइम है उसकी स्टडी है। लेकिन वो स्टडी कैसी, सिस्टमेटिक स्टडी है। इट इज़ रिकॉर्ड ऑल पास्ट फैक्ट्स, पास्ट में जितना जो कुछ भी हुआ है उसका रिकॉर्ड हिस्ट्री होती है। एंड इवेंट्स इन द सिक्वेंस इन विच द ऑकर्ड, कि जो जो घटनाएं सिक्वेंस के साथ में या जो जो घटनाएं हुई है उनका सिक्वेंस या जो जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसका रिकॉर्ड जिसमें हम रखते हैं या उसका रिकॉर्ड जो होता है उसको हम लिटरल वर्ड हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं, उसको हम हिस्ट्री की डेफिनेशन मानते हैं। नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्या है, तो इसका आंसर हमने स्टूडेंट्स किया, आर्कियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट सिविलाइजेशन, कि जो सिविलाइजेशंस हैं उसके जो हमारे पास में रिमेन्स हैं, अवशेष जो हैं, उनकी अगर हम साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी, पुरातात्विक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 में, नेम द वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, की बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनमें से कुछ नेम आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के यहाँ लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है, दीज आर सम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। इंस्क्रिप्शंस की बात की जा रही है, कॉइन्स की बात की जा रही है, मॉन्यूमेंट्स की बात की जा रही है और आर्टिफैक्ट्स की बात की जा रही है। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में और भी ज़्यादा बताते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब जो खुदाई के अंदर जो हमें, एक्सकेवेशन के अंदर जो हमें आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं उनके पास में, या आर्कियोलॉजिकल जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट जहां पर एक्सकेवेशन करते हैं उनमें हमें क्या क्या मिलते हैं, उनमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कॉइन्स मिले हैं, मॉन्यूमेंट्स मिले हैं और आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 में बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट आंसर पूछा है इसने, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, नेम एनी 2 एंशियंट इंडियन मॉन्यूमेंट्स। इंडियन मॉन्यूमेंट्स, इंडियन जो स्मारक है उनकी बात की जा रही है, जिनमें से 2 हमें बताने हैं। तो हमने फर्स्ट आंसर हमें किया सांची स्तूप और सेकेंड हमने किया एलोरा केव्स, अजंता एंड एलोरा केव्स में। तो इस तरह से हमने 4 को आंसर किया, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। नंबर 5 क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम द लैंग्वेजेस इन विच एंशियंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन, की इंडियन एंशियंट जो इंस्क्रिप्शंस है वो कौन कौन से लैंग्वेजेस के अंदर लिखी गई है। तो इंडियन एंशियंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन पाली,
प्राकृत संस्कृत एंड तमिल। तो पाली, प्राकृत संस्कृत और तमिल लैंग्वेज के अंदर ये जो हमारी एंशियंट इंडियन इंस्क्रिप्शन है वो लिखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक शॉर्ट एंड स्वीट जो वीडियो आपके लिए बना वो आज इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बनाया, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था व्हाट इज हिस्ट्री, इसको हमने डिफाइन किया। सिस्टमेटिक जो स्टडी है पास्ट की उसको हमने हिस्ट्री की डेफिनेशन ली कि पास्ट में जितने भी ऑकर्ड्स, जितने भी इवेंट्स हुए उनको सिक्वेंस के साथ में रिकॉर्डेड करना हिस्ट्री। नंबर टू हमारे पास में था व्हाट इज आर्कियोलॉजी, की आर्कियोलॉजी क्या होती है। तो आर्कियोलॉजी क्या होती है, जो रिमेन्स हमारे पास में है, एविडेंस जो है, पास्ट सिविलाइजेशन जो हमें मिलते हैं उनका साइंटिफिक तरीके से अगर हम उनको स्टडी करते हैं तो हमें बोलते हैं आर्कियोलॉजी। और नंबर थ्री क्वेश्चन था हमारे पास, नेम द वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजी जो होती है उसके अंदर जो हमें एविडेंट मिलते हैं, जो सबूत मिलते हैं, जो हमें प्रूव्स मिलते हैं, उनमें इंस्क्रिप्शंस होते हैं, कॉइन्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं और आर्टिफैक्ट्स होते हैं। इसी तरह से ये आर्कियोलॉजिस्ट इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से ही हिस्ट्री का पता लगाते हैं। और नंबर फोर की हम बात करते हैं, तो नंबर फोर और फाइव क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। फोर में था हमारे पास में नेम एनी टू एंशिएंट मॉन्यूमेंट, की पुराने जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। तो उनके अंदर हमने पहला नाम लिखा सांची स्तूप और सेकेंड नाम लिखा हमने एलोरा केव्स। नंबर फाइव क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उसमें एंशिएंट जो लैंग्वेज थी, ऐसे कौन कौन सी एंशिएंट लैंग्वेज है जिनमें इंडियन इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं। तो हमने नाम लिखा उसमें पाली, प्राकृत संस्कृत और तमिल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन जो ई है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन वन टू लाइन्स ईच, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। और क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव को आपके सामने हमने इसको कम्प्लीटली आंसर किया है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने आपके सामने क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, फोर एंड फाइव को सॉल्व किया। और इन क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल शॉर्ट आंसर में सॉल्व करना था, हमने आपके सामने ये बिल्कुल शॉर्ट आंसर में इसको सॉल्व किया है, एक्सप्लेन किया है। आई होप दैट ये आंसर आपको क्लियरली समझ में आएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप इनको। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ चलेंगे, जिनके आंसर हमें 4 to 5 लाइंस में कंप्लीट करने होंगे। आई होप दैट डियर स्टूडेंट्स कि आज का ये वीडियो, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपके क्वेश्चन ई के लिए, जिसमें हमें शॉर्ट आंसर करने थे, परफेक्ट होगा। अगर किसी भी तरह की क्यूरीज या आपकी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आपके लिए आज होमवर्क में क्वेश्चन ई, आंसर दीज क्वेश्चंस में रिलेटेड जो फाइव क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ हिस्ट्री, व्हाट इज़ आर्कियोलॉजी, नेम द वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, नेम एनी टू एंशिएंट इंडियन मॉन्यूमेंट्स, नेम द लैंग्वेजेस इन विच एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन, ये फाइव क्वेश्चंस आपको अच्छी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी फ्रेंड नोटबुक में कंप्लीट करनी है। I hope that this video will be liked from you. Have a nice day. Thank you so much.